लेकिन इस बार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया है कि वो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। उत्तरा में मुसलमान इस तरह की रैलियां निकालकर चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगने देंगे, दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। क्यों भाई, ये क्या भाई? और इस विरोध की वजह क्या है? कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा आ रही है भाई, सो बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश एंड हैप्पी दुर्गा पूजा इन एडवांस टू एवरीवन गाइस। एंड व्हेयर फ्रॉम प्लीज राइट इन कमेंट। नमस्ते गाइस, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो टेक लव फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम एंड दिस इज सेतु सरकार एंड वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस सुपर एक्साइटेड रिएक्शन करने के लिए, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया इस वीडियो बारे में। एंड गाइस रिक्वेस्ट, एवरीवन गो एंड सब्सक्राइब ऑफ हिज यूट्यूब चैनल एंड हिज यूट्यूब चैनल नेम इज डीडी रिएक्ट आलोक सर। I love him seriously, very straightforward person, that's why I like him, okay? So please, and guys, I have created a new YouTube channel for you guys, please go and subscribe my new YouTube channel, link in description, please jaiye, Sanatan bhai ko please support kariye bhai, please jaiye, so chale shuru kari, let's start it, Jai Shri Ram. Guys, last track dekho. सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश क्या दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? असल में यह सवाल ही गलत है। बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, और आज भी पाकिस्तानी है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। नमस्ते दोस्तों, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की ही तरह हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म बदलवा दिया जाता है, अधेड़ सब गलत शादी करा दी जाती है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को कन्वर्ट कराने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। पहले तख्ता पलट की आड़ में हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों पर हमले किए गए, अब दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने के लिए बवाल किया जा रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट भी आतंकियों और कट्टरपंथियों के साथ खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है, और यही सब तो पाकिस्तान में होता आया है जो कि बांग्लादेश में अब होता हुआ नजर आ रहा है। सुन रहे हैं आप, ये जो नारे लग रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, धमकी दी जा रही है, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं। गाइस गाइस गाइस, इट्स राइट, दिस इज रियल वीडियो राइट, बट बांग्लादेश सरकार এটা হচ্ছে পদক্ষেপ নিচ্ছে, এটা ফাইনালি ই করে দিছে যে না হবে, পূজা হবে, পূজা হবে। ওকে সো वैसे तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान सालों से दुर्गा पूजा के समय बवाल करते आए हैं, पूजा पंडालों में जैसे ढाका ढाका दुर्गा मंडप हर साल होती आई हैं, लेकिन इस साल कट्टरपंथियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। दुर्गा पूजा भारत ही नहीं, बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथी इसी पूजा के आयोजन पर अटैक कर देश की हिंदू आबादी को दबाने दिस इज आवर इमोशन कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश असल में पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में ब्लश्फेमी के नाम पर क्या होता है पता है ना आपको? पाकिस्तानी इस्लाम और कुरान का इस्तेमाल कर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसी से लड़ाई हुई, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, बस उस पर कुरान की बेअदबी का आरोप लगा दो, भीड़ जमा कर लो और उसे लिंच कर दो। दूसरे धर्म के लोगों पर तो ये आरोप और भी आसानी से लगाए जाते हैं, राइट, सिंपल, खुद मुसलमान भी इससे बच नहीं पा रहे। ऐसे मामलों में कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या होगा, बस सब पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, कई लोग मारे भी गए थे। मुसलमानों का आरोप था कि पूजा पंडाल में कुरान रखकर उसकी बेअदबी की गई कुमिल्ला, और जब पुलिस ने बेअदबी वाले मामले की जांच की तो पता चला कि पूजा पंडाल में कुरान रखने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था, इकबाल हुसैन। इट्स राइट, इकबाल हुसैन, एक मुसलमान ने कुरान की बेअदबी कर हिंदुओं पर आरोप लगा दिया, पागल बोले साला। ऐसा किया था वहां के लोकल मस्जिद के इमाम के मौलाना के कहने के बाद। ऐसा आज भी हो रहा है बांग्लादेश में, किसी न किसी बहाने दुर्गा पूजा को टारगेट किया जा रहा है। ढाका के उत्तरा में दुर्गा पूजा के लिए कई पंडाल सजाए, राइट, उत्तरा सेक्टर 11 और 13 सार्वजनिक खेल के मैदान में कई दशकों से ये पंडाल लग रहे हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया है कि वो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। उत्तरा में मुसलमान इस तरह की रैलियां निकालकर चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगने देंगे, दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। क्यों भाई, ये क्या भाई?
और इस विरोध की वजह क्या है? मुसलमानों की यह दलील है कि जिस प्लेग्राउंड पर पूजा का पंडाल लगता है उसी ग्राउंड में ईद के दौरान वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उस मैदान में पूजा नहीं हो सकती। ये बवाल इतना बढ़ गया है कि सेना को दखल देना पड़ गया, और जो फैसला हुआ है उससे भी साफ है कि बांग्लादेश में आने वाला समय हिंदुओं के लिए कैसा होने वाला है। सेना ने दुर्गा पूजा के लिए मैदान के एक हिस्से के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, बावजूद इसके पूजा आयोजन के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। उत्तरा में जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है इनमें, इनमें लिखा है कि ईद की जमात इबादतगाह पर होती है और यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दूसरे में लिखा है उत्तरा सेक्टर 13 के फील्ड पर ईद की जमात आयोजित की जाएगी, जो दखल ना के कोनो को। तीसरे पोस्टर में लिखा है ईद जमात है, शमाटे पूजा ना, क्यों भाई, क्यों भाई, पूजा नहीं होगी भाई, क्यों भाई। और ढाका में नहीं हो रहा है, पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। खुलना के कई मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठियां भेजी गई है कि 5 लाख टका दो, आई एम फ्रॉम खुलना, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। इस लेटर में लिखा है कि अगर पुलिस से शिकायत की तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। पहले मंदिरों को तोड़ा, फिर कुरान की बेअदबी की साजिश रचकर मूर्तियों को तोड़ा, और अब पूजा पांडालों का विरोध और पूजा करने के नाम पर वसूली की धमकी। यह है नया बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसे बनाने में हिंदुओं का भी उतना ही खून बहा जितना वहां के मुसलमानों का बहा। लेकिन आज गलत बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है, ओनली मुस्लिम को या ओनली मुस्लिम बनाना चाहता है, नॉट हिंदू, उसे मार देना चाहता है या उसे बांग्लादेश से भगा देना चाहता है। रंगपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में पड़ता है, भारत के जलपाईगुड़ी के पास। यहीं पर एक स्कूल है, मुस्लिम उद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाली हिंदू बच्चियाँ पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्कूल प्रबंधन और कट्टरपंथियों के खिलाफ नारे लगा रही हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो अलग सर, थैंक यू सो मच। प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए आई रिस्पेक्ट यू। उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है, हिजाब पहनने का दबाव, हिजाब पोर्टे बोलते से इवन ई होय ना, धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, होय ना। मतलब क्या बोलते थे तुम लोग, कुरान शरीफ पे इधर से पुस्तकों का शायद दिन मतलब आप तो जो सुना मुस्तफा, बाप रे, क्यों हिजाब पोर भाई, क्यों, क्या नो, अरे बाबा, क्या नो, वी आर हिंदूस, वी आर हिंदूस, व्हाई वी आर Why we are wearing hijab, man? তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পরো না কেন? বললাম যে স্যার আমরা হিজাব পরবো কেন, হিজাব কই না, তোমরা যে হিজাব পরো না, তোমরা রাস্তা দিয়ে যে হাঁটো ছেলেরা তোমাদের শরীর দেখে আকর্ষণ, ওরে বাপ, তোমাদের হিন্দু মেয়েদের আজকাল বিয়ে হচ্ছে না, তারপর বাজে ভাবে নোংরা ভাষায় গালি দেয় স্যার, তারপর লোক উর্ফি যাদব পড়ে আসবা, পরের দিন থেকে পড়ে আসবা, সে ধর্মীয় স্যার, মুসলিম ধর্ম ক্লাসে যত নেগেটিভ ধর্মের কথা আছে সব কিছু উল্লেখ করে, আর উনি বাবা মাকে গালি দেন। अब आपको ढाका यूनिवर्सिटी की एक हिंदू स्टूडेंट की बात सुनाता हूं। आई नो किसु किसु स्पेसिफिक ফ্রেন্ডের কাছ থেকে গরু খাইতে বলে, গরু একটা টপিক উঠা রাইট, এবং আমি আই ওয়াজ দিস ভিডিও পূজা করি, গরুর আমি পূজা করি, গোমাতা, ওই জিনিসটা আমাকে কন্টিনিউয়াসলি বলে আসে যে খাস না কেন, খেয়ে দেখ না অনেক টেস্ট, কিভাবে না খেয়ে পারিস এত টেস্টি একটা খাবার, এইটা ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেস্ট শুকরের মাংস ব্রিফ, আমার ধর্মের সাথে এটা তামাশা হচ্ছে যে টেস্টি, আমিও তো অনেক টেস্টি মাংস খাই, তুই খাবি শুকর, খাবি খাবি না তো, আর আমি তো জানি বাংলাদেশ মে হর স্কুল সে লেকার কলেজ তক মে হিন্দু ছাত্রো কো টার্গেট কিয়া জা রাহা হ্যায়, উনে কিসি না কিসি তরহ সে কনভার্ট করানে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়। আপ সোচিয়ে কি আপকে দোস্ত জিনহে আপ আপনা সব সুখ দুঃখ का साथी मानते हैं, जिगरी मानते हैं, वो रात दिन इसी कोशिश में लगा रहता है कि कैसे आपको हिंदू से मुसलमान बना दे। स्कूल में आपके टीचर पढ़ाने के बजाय आपके धर्म को टारगेट करते रहें, हिंदू बच्चियों को मुसलमानों के रीति रिवाज और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए मजबूर करें, यही हो रहा है बांग्लादेश में, और ऐसी ही घिनौनी कोशिशें पाकिस्तान में भी सालों साल से की जा रही हैं। भारत में भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई, आप देखिए कि बांग्लादेश में ऐसे ना केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है बल्कि बौद्धों के साथ भी हो रहा है, और तभी वो ऐलान कर रहे हैं इंडिया आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बांग्लादेश के चिटगांव में म्यांमार बॉर्डर के हिल टैक्स पर चकमा ट्राइब्स रहती है, ये ट्राइब्स बौद्ध धर्म को मानती है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश की गवर्नमेंट चकमा ट्राइब्स लैंड्स पर बाहरी लोगों को बसा रही है, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उन्हें इलाकों से भगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चिटगांव के चकमा इलाकों में जबरदस्त हिंसा हो रही है, बाहरी लोग सेना के साथ मिलकर चकमा आदिवासियों के घरों को जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जब अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना का साथ नहीं मिल रहा तो ये बांग्लादेशी चकमा आदिवासियों ने भारत से मिलने का ऐलान कर दिया है।
ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের উদ্দেশ্যে এখান থেকে আমরা আওয়াজ তুলছি যে যতক্ষণ অব্দি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, আচ্ছা সেনাবাহিনী আপ তো বহুত খিলাড়ি প্রত্যাহার করতে হবে, গুড পারি, যতক্ষণ অব্দি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিংবা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না ততক্ষণ অব্দি সেখানে সেনা শাসন এবং গণহত্যা বন্ধ করতে হবে, নাহলে এই আন্দোলন আমাদের চলবে, আর সেখানে যারা আমাদের ভাই বোন আমাদের জাতি ভাই বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি দীঘিনালা পানসুড়ি পার্বত্য এলাকাতে যত সংখ্যক আমাদের ভাই বন্ধু রয়েছে আমি ওদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ তুলছি এখানে, আমাদের আজকের এই বেচারতল থেকে আগামী দিন আপনারা যদি খণ্ডিত না হয়ে একত্র হয়ে যদি আপনারা কাজ করেন তাহলে আমরা আপনাদের পিছনে আসি, যদি আপনারা ঢাকা সে লেকর চিটগং তক বওয়াল হো রহা হ্যায়, तो आखिर बांग्लादेश की एंट्रिम गवर्नमेंट कहां है, क्या उसे देश में चल रहे इस घमासान की जानकारी नहीं है? असल में मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट अभी किसी और एजेंडे पर लगी हुई है। इस वीडियो को देखिए, ये 24 सितंबर का वीडियो जब बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर अमेरिका गए थे, वहां वो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के प्रोग्राम में भी शामिल हुए थे। क्लिंटन दंपति से मोहम्मद यूनुस के करीबी संबंध चक जाहिर है, इसमें क्लिंटन नजर भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात तब हुई जब मोहम्मद यूनुस ने उन तीन स्टूडेंट्स लीडर्स को क्लिंटन से मिलवाने के लिए स्टेज पर इनवाइट किया। सुनिए मोहम्मद यूनुस ने इन तीनों स्टूडेंट लीडर्स की, जो अब केयर टेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर बन चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना था। सडनली ऑल द यंग पीपल ऑफ बांग्लादेश गॉट टुगेदर एंड सेड एनफ इज एनफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, एंड दे डिडंट। They sacrificed themselves in front of the bullets fired by Bangladeshi government and sacrificed them. Some of the leaders of the student movement are here, I guess. Yeah, will you see it? Can stand up? It's good. It's good. It's good. It's good. Because, bhai, je koto ta tyag shikar korche oi shomoy, koto manush mara geche pulisher hate, bhai. Salute. I respect them. We are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. मोहम्मद यूनुस ने जिस स्टूडेंट लीडर को इस पूरे तख्ता पलट का मास्टरमाइंड बताया है, उसका नाम है महफूज आलम। महफूज ना केवल स्टूडेंट लीडर है बल्कि इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप हिजबुत तहरीर का मेंबर भी है। तस्लीमा नसरीन को तो आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश की बहुत बड़ी लेखिका है। अपने उपन्यास लज्जा की वजह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के बाद से वो भारत में रह रही है। उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि अमेरिका में मोहम्मद यूनुस ने इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के लीडर महफूज आलम को शेख हसीना गवर्नमेंट को पलटने के लिए हुए आंदोलन का ब्रेन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और बिल क्लिंटन ने ताली बजाई। क्या इसी तरह अमेरिका लोकतंत्र को सपोर्ट और इस्लामिक आतंकवाद से लड़ाई लड़ेगा? आरिफा रहमान रूमा बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि महफूज को लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। वो अक्सर इस बात से इनकार करता है कि तख्ता पलट वाले आंदोलन के पीछे वो नहीं था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे उसी का दिमाग था। यह बहुत ही शातिर तरीके से तय की गई यह चीज है, यह कोई अचानक हुई चीज नहीं है। यानी महफूज पूरे आंदोलन को सूबेदार के नाम से लीड कर रहा था ताकि उसकी पहचान सामने ना आए। मैं तो नहीं देगा। सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चलानी ने भी ट्वीट किया है कि सारा आंदोलन वेल डिजाइंड था और लीडर ने अपनी पहचान छुपाई थी। अब देखिए कि जिस आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से महफूज के कनेक्शन की बात की जा रही है उस पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए ने हाल ही में कार्रवाई की। इसी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े कई ठिकानों पर भारत के भीतर रेड की गई है। और तख्ता पलट के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर बन गया और अब उसे मोहम्मद यूनुस वर्ल्ड फोरम पर पहुंचा रहे हैं। इससे न केवल मोहम्मद यूनुस और महफूज का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है बल्कि इसमें अमेरिका का रोल भी साफ साफ दिख रहा है। और इन्हीं सब
का एक नतीजा ये भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, उन पर कन्वर्ट होने का दबाव बढ़ रहा है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस में अड़ंगा डालकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है ताकि या तो वो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर थक हार कर मुसलमान बन जाएं। लेकिन जुल्म सहने की भी एक सीमा होती है। अब देखिए कि बांग्लादेश में ही बौद्ध चकमा आदिवासी भारत से मिलने के लिए आवाज उठाने लगे, उसी तरह हिंदू बच्चियां भी स्कूल में अपने टीचर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही, तो इसी तरह की आवाजें भी एक दिन बड़े आंदोलन का रूप ले लेंगी और फिर बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ भी बगावत होगी जरूर। तो दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो सोए हुए हैं उन्हें जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप सब्सक्राइब करो, सारे का चैनल सब्सक्राइब जरूर दबाइए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। की बोलो क्या बोलू मैं गाइस, क्या क्या बोलू क्या बोलू। हाँ হয়েছে ওই যে স্কুলের যে মেয়েরা যে আন্দোলন করছে ওইটার সাময়িক সময়ের জন্য হচ্ছে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ফায়ার করা হয়েছে সাময়িক সময়ের জন্য। আর যে 13 নম্বর উত্তরা সেক্টরে যে হচ্ছে আন্দোলনটা করছিল পূজা হতে দেবে না, সেইটা ইউনুস স্যার বলেছে যে না পূজা হবে এবার, এই হলো অবস্থা। আর ভাই কী করার আছে ভাই, আমরা হচ্ছে কি বলি অল্প অল্প হিন্দু তোর বেশি না, তাই আমাদের একটু জোর দেখায়, জোর যার মল্লুক তার দেখাইতে থাকুক, উপরে ভগবান আছে, অলওয়েজ তাকে বিশ্বাস করি, ভরসা করি। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আর না হয়তো প্লিজ মেরা দুসরা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিয়ে প্লিজ প্লিজ। তো নমস্তে গাইস, টেক কেয়ার, বাই।